ये हो गए थे। हमने बोला था कि अब हम आपको किसी डॉक्यूमेंट का साइज बनाना बताएं, साइज बढ़ाना, अभी नहीं बताया ना? ठीक है, तो उसके लिए तो सबसे पहले अपन ने ये खोल लिया है, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सी पिक्चर का आपको साइज कम करना है या बढ़ाना है। तो उसके लिए अपन चलते हैं यहाँ से दिस पीसी में। जिस पीसी में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ से डी ड्राइव में या ई ड्राइव में, जिसमें भी आपका डाटा है। हमारा एफ ड्राइव में है, तो हम यहाँ से एफ ड्राइव में जाएंगे। और इमेजेस कैसे पता चलेगा कि आपको इमेजेस हैं इनमें से कौन सी, इसके लिए हम यहाँ पर ये साइड में ये जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक कर लेते हैं, डिस्प्ले ऑप्शन में। तो ये आपको इस तरह से दिखने लगेंगे। ठीक है, अब जो इमेजेस है वो आपको इस तरह से दिख रही है। अगर इनमें से कोई इमेजेस लेना है तो आप यहाँ इसे ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, वॉलपेपर में जाएंगे, यहाँ से फोल्डर के अंदर से भी ले सकते हैं। अब आपको पता लगाना है कौन सी, पहले तो आप ये देखिए किस साइज, किस इमेज का साइज बढ़ाना है या कम करना है। तो मान लीजिए ये वाली इमेज है, तो हम क्या करेंगे, इस पर वैसे तो दिखा रहा है साइज, टाइप भी दिखा रहा है, लेकिन हमने आपको देखना बताया था कैसे देखेंगे इमेज का साइज क्या है, फॉर्मेट क्या है। इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। यहाँ पर दिखा रहा है इमेज का फाइल टाइप है जेपीजी, ठीक है, और इसके बाद इसकी लोकेशन बता रहा है और साइज बता रहा है 10 KB, यानी बहुत ज्यादा कम है, हमें इसको बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देख लिए, अब क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में ओपन करनी है इमेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल पर जाएंगे, ओपन पर जाएंगे। ओपन पर जाने के बाद लोकेशन देखेंगे कल सिलेक्ट है, लोकल डिस्क ऐप सिलेक्ट है, यदि नहीं है तो क्या करेंगे, जिस पीसी पर जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लोकल डिस्क एफ, यानी कि एफ ड्राइव जिसमें हमारी पिक्चर है। अगर आपके पास और किसी ड्राइव में, तो आप उस जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं, हम यहाँ से इसको मीडियम आइकन कर देते हैं। ठीक है, ये दिख रही है। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है, जैसे कि हमारा जो पिक्चर थी वो इसके अंदर है, अगर आपको अभी भी देखना है इसकी साइज क्या है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं प्रॉपर्टीज इसकी, ये बता रहा है 10 KB। ठीक है, वहां बाहर से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तब भी बता रहा है साइज कितनी है। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत ही साइज बढ़ानी है, तो आपको इसमें कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइज बढ़ानी है। तो क्या करोगे आप, ले ली हमने इसको फोटोशॉप में, ओपन कर ली। अब हम फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद हम जाएंगे सेव एज पर। ठीक है, सेव एज पर जाने के बाद इसका नाम क्या था, इमेजेस, और हमें इसी फोल्डर में सेव करना है, तो हम सेम नाम से दो फाइलें नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे। और हो सकता है आपका नाम है, इसका नाम आपको एक जैसा ही रखना है, तो आप क्या करोगे, नाम वही का वही दे दोगे, 1 2 ABC, इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस कर दो ताकि वो अलग हो जाए। सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 40.89। ठीक है, ये 40 मतलब 40 KB की हो चुकी है, थोड़ी बहुत 19 20। हाँ ठीक है, हाँ इतना। अगर आप इसको दूसरे पेज पर लेकर जाओगे, अब हम आपको और ज्यादा बढ़ाना बता देंगे। अगर और बढ़ाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करो थोड़ा सा और ज्यादा, जैसे कि हमने 2 MBPS सिलेक्ट कर लिया, तो थोड़ा बहुत और अंतर आएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं आपको ये 40 की ही मिले वहां पर, हो सकता है 49 सॉरी 39 की हो जाए, और हो सकता है 41 या 42 की हो जाए, मतलब एक दो आगे पीछे हो सकता है। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। आप चाहो तो फाइल पर जाकर, ओपन पे जाकर यहीं से देख सकते हो, देखो दो हो गई हमारे पास, इसमें क्या आ रहा है 10 10.8 KB, और इस पर आप माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, देखिए 51, एग्जैक्ट वही का वही नहीं होता, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। ठीक, अभी आप ये बताइए कि कहाँ तक आ गया, आपको आ रहा है समझ में? वो आपको नीचे क्लास में बताएंगे। अभी ये आइकन्स वगैरह ये क्या होता है, ये सब आपको क्लास में, साइज बढ़ाने के लिए लिया। हाँ आप ये भी बोल सकते हैं, वैसे नॉर्मली क्या होता है, बाकी अदर एप्स से
आप पिक्चर का साइज कम तो कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाते हैं अपन साइज तो बढ़ा भी सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है, साइज बढ़ाते हैं किसी चीज पिक्चर का तो उससे पिक्चर की क्वालिटी खराब होती है, यानी कि पिक्सल फट जाते हैं। लेकिन यदि आप फोटोशॉप से बढ़ाते हो, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको बढ़ाना है और फोटोशॉप से बढ़ाते हो तो उसमें पिक्सल नहीं फटते, इसलिए हमने आपको यहाँ से इस तरह से बताया। ठीक है, तो हम आप दूसरी पिक्चर को एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पर कोई पिक्चर ओपन करनी है, मतलब पिक्चर लेकर आनी है, इंसर्ट करनी है फोटोशॉप में, तो हम यहाँ पर फाइल फाइल ऑप्शन पर जाएंगे, फाइल मेन्यू पर। इसे मेन्यू बोलते हैं, इस पूरी बार को मेन्यू बार बोलते हैं, और इसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, अलग अलग मेन्यूज होते हैं। तो हम फाइल मेन्यू पर जा रहे हैं और यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इमेजेस वाला ऑप्शन आ जाता है। ये क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने एक बार कर लिया तो फिर वो आ जाता है, यदि नहीं आता तो आप यहाँ से जिस पीसी में जाकर जहाँ भी आपकी इमेजेस सेव है वहां से लेकर आ सकते हैं। अब जैसे कि ये वाली इमेज है, इसका हमें साइज बढ़ाना है या कम करना है, तो आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पर जाकर आप इसका टाइप देख सकते हैं, जैसे कि पीएनजी इमेज है, और इसका साइज कितना आ रहा है। ये इमेजेस के होते हैं, जैसे कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में बनाए गए इमेजेस के एक्सटेंशन होते हैं, पीएनजी, जेपीजी, और इसके अलावा जेपीईजी, ये सभी फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि पीडीएफ होता है, इसी तरह से जैसे पीडीएफ फाइल होती है वो अंदर पीडीएफ में आती है, मतलब एक से ज्यादा आप उसमें पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, इसी तरह से पीएनजी, डॉट पीएनजी या फिर डॉट जेपीजी, जेपीजी, ये सभी फाइल्स के एक्सटेंशन नेम होते हैं जिनसे अपन पहचान सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है, किस टाइप की फाइल है। तो यहाँ से इसका साइज 280 KB अपन को बता रहा है, अपन को बढ़ाना है, तो क्लिक करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करनी, अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर आपने इसमें कोई एडिटिंग करी है तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है साइज। जैसे कि यहाँ से अपन किसी टूल को ले लेंगे और इसमें कोई एडिटिंग कर लेंगे या किसी और पेज पर लेकर चले जाएंगे, ज्यादा साइज बढ़ जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फोटोशॉप में लेकर आएंगे और यहाँ से हम फाइल टैब पर जाएंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे सेव एस। सेव ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसमें अभी कोई भी एडिटिंग नहीं की, सिर्फ हमने इसको ओपन किया है, इसलिए जब आप इसमें कोई एडिटिंग कर लेंगे तो सेव ऑप्शन हाईलाइट होने लगेगा। अपन जाएंगे सेव एस पर। सेव एस पर जाने के बाद ये लोकेशन पूछ रहा है आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, अगर आप किसी और जगह पर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं आप उसको। हम यहाँ से सी ड्राइव में कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट सेव नहीं करते, सभी को पता है ये, हम यहाँ से डी में, ई में, जिसमें भी चाहे उसमें कर सकते हैं। हम डी ड्राइव ओपन कर ली है हमने, हम यहाँ से हमारी जो क्लास का टाइम था उससे कोई शायद इसमें नहीं बनाया, हमने शायद ई ड्राइव में बनाया था, ई ड्राइव में जा रहा है ये 3 से 4 फोटोशॉप, इस फोल्डर के अंदर हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, नाम अगर आप बदलना चाहते हैं, नाम कब बदलेंगे, कहीं पर भी किसी फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर या किसी ड्राइव के अंदर, एक जगह पर एक जैसी दो चीजें, मतलब दो फाइलें नहीं हो सकती, दो फाइलें तो हो सकती है, उन दोनों फाइलों का नाम एक जैसा नहीं हो सकता, भले ही फोटो भी सेम है बस उनका नाम सेम नहीं होना चाहिए, तो नाम अपन को इसलिए चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस नाम की कोई फाइल नहीं है तो इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से इस तरह का कोई ऑप्शन आता है तो अपन ओके कर देते हैं। एक मिनट, फिर से करना पड़ेगा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। देखिए, अगर आप इसी जैसे कि यहाँ पर इस नाम से, लोगो नाम से है यहाँ पर, हम यहाँ से सेव कर रहे हैं तो देखिए ये लिखा हुआ रहा है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर आप इस नाम से लेंगे तो क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पर ये आ जाएगा। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, लेकिन हमें रिप्लेस नहीं करना तो हम क्या करेंगे, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हमने लोगो लिखा और वन लिख दिया, यहाँ से सेव पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से ऑप्शन क्यों दे रहा है। हाँ वो ही बता रहे हैं, अपन दूसरी पिक्चर लेकर देखते हैं, इसको सेव एज पर करेंगे। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आना चाहिए, जब भी आप कोई भी पिक्चर सेव करते हैं इस तरह का डायलॉग बॉक्स आना चाहिए। तो अभी अभी अपन इसको सेव नहीं कर रहे हैं, पहले अपन देख लेते हैं इस पिक्चर का साइज क्या है। तो फाइल पर जा रहे हैं और ओपन पर जा रहे हैं, यहाँ से ये वाली ओपन की थी।